चाहे आपकी गले की परेशानी हो, चाहे मुंह के छाले हो, चाहे शरीर का दुर्गंध हो, यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है यह वासा। जैसे कि हमने आपको बताया कि फेफड़ों के रोगों के लिए, कफ की बीमारी के लिए भी यदि इसका पंचांग का काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। हालांकि हमने कफ रोगों के लिए, श्वास रोगों के लिए एक श्वासारी क्वाथ बनाया हुआ है, उसके अंदर भी इस वासे की, पंचांग की बहुत अच्छी मात्रा हमने डाली हुई है। तो हो सके तो ताज़ा प्रयोग करें, हो सके तो जंगल से ला करके इस वासे को काट करके टुकड़े करके रखें, उसका काढ़ा बना करके आप पिए। यदि संभव नहीं है तो बने बनाए औषधि के रूप में कम से कम श्वास और कफ रोगों के लिए आप श्वासारी कफ के रूप में, श्वासारी क्वाथ के रूप में कफ और आपके एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, उसको निवारण के लिए आप उसका कर सकते हैं प्रयोग। फिर जिनको लीवर की परेशानी है, यदि किसी भी तरह से आपको इंडाइजेशन की शिकायत है या पीलिया की शिकायत है, उसके लिए भी यह वासा बहुत ही लाभकारी है। आपका SGOT, SGPT या ब्लूरोबिन यदि नहीं है नॉर्मल, तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी, या यदि आपको हो गया है जॉन्डिस, तो इस वासा के पत्तियों को कूट करके लगभग 2-3 चम्मच आप रस निकाल लें। रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उस रोगी को चटा दें सुबह और शाम, तो आप देखेंगे पीलिया में एकदम चमत्कारिक रूप से लाभ हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है यह लीवर संबंधित रोगों के लिए भी वासे का प्रयोग। तो आप देखेंगे कि लीवर की वजह से जो शरीर में आई हुई कमजोरी है, जो क्षीणता है, जो वीकनेस है, वह भी इससे हो जाएगा दूर। यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है वासा का लीवर के लिए।